जी हाँ, नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां हुड्डा के गढ़ में कांग्रेस भाजपा में कांटे की टक्कर। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरियाणा के सोनीपत विधानसभा सीट सुर्खियों में है। यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र पवार चुनाव मैदान में है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 महीने जेल में रहने के बाद बुधवार को वे बाहर आ गए थे। उनके जेल में रहने के दौरान सुरेंद्र पवार की पुत्रवधु समीक्षा पवार चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाल रही थी। इधर भाजपा ने कांग्रेस से छोड़कर आए मेयर निखिल मदान को टिकट दिया है। निखिल के पिता और चाचा के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने देवेंद्र गौतम, इनेलो बसपा ने धर्म सिंह बिल्लू मास्टर और जेजेपी एएसपी ने एडवोकेट राजेश को मैदान में उतारा है। जिस सीट पर करीब 251,000 वोटर है, यहाँ सबसे ज्यादा पंजाबी समाज के वोट है। इसलिए भाजपा ने पंजाबी समाज से आने वाले निखिल मदान पर दाव लगाया है। कांग्रेस के सुरेंद्र पवार के पुत्रवधु की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी पंजाबी समाज से, इसलिए वे भी चुनाव में सुरेंद्र पवार की मदद कर रही हैं। दोनों ही पार्टियों का फोकस पंजाबी समाज पर है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर पंजाबी समाज के ही विधायक चुने जाते रहे हैं। लोगों का मानना है कि इस पर भाजपा पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन सुरेंद्र पवार के जेल से बाहर आने के बाद समीकरण बदल गए हैं, जिसके चलते कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर होगी। भाजपा ने यहाँ कभी कोई विकास कार्य नहीं किया, इसका असर निखिल के चुनाव पर पड़ेगा। लोगों के मुताबिक फिलहाल जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, उससे तो यही लगता है कि सुरेंद्र पवार और निखिल मदान के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। लेकिन सुरेंद्र पवार जब जेल से बाहर आ चुके हैं तो ऐसे में वह प्रचार प्रसार में काफी असर डालेंगे। पहले उनके बहु बेटे इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, लेकिन अब वह खुद इसमें लगेंगे तो फर्क पड़ेगा। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।